गुड मॉर्निंग मैम। बेटा गुड मॉर्निंग चंदा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। बेटा गुड मॉर्निंग पायल। चंदा शर्मा, पायल राजी, दर्शिता, रेखा चौधरी। कौन कौन आ गया? रेखा चौधरी, चंदा शर्मा, चंदा चला प्रिया और प्रिया और प्रियंका, अंशु शर्मा। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। मैम। हाँ बेटा। मैम जो कल आपने प्रैक्टिकल का बताया था टैक्सोनॉमी में, उसका मैम रिटर्न में क्लासिफिकेशन भी लिखना है क्या? हाँ क्लासिफिकेशन लिखोगे बेटा? क्लासिफिकेशन तो सब में आएगा बेटा जिसमें दे रखा है ना, जैसे क्लासिफिकेशन क्या क्या है बिल्कुल आएगा। ओके। निर्मला चौधरी। बेटा आप लोग अभी कॉलेज जाओगे क्या? कोई जना तो प्रैक्टिकल की एक बुक भी इशू करा लो, एक कॉपी एक फाइल भी इशू करा लो, इससे थोड़ा आइडिया मिल जाएगा आपको। या कर लोगे? अपने आप ही बुक है ही आप लोगों के पास, कर लोगे ना? कर लेंगे। ठीक है मैम, आगे का भी बता देते। आगे का भी बता, कल बता देंगे, मतलब मंडे को बता देंगे। प्रीति जैकेट भी आ गई। ठीक है, या आज टाइम हुआ तो आज टाइम की क्लास में, आज बाद में बता दूंगी, पहले इसको ले लेते हैं। Thank you.
पिंकी चौधरी आई है, इनको कर देते हैं। गुड्डी वर्मा, मोनिका अंजलि शर्मा, गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। निर्मला चौधरी आ गई, अंजलि शर्मा और मोनिका और भावना चलसी। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। सीमा चौधरी आ गई, आप है ठीक है बेटा, अपन स्टार्ट करते हैं। कल अपन पढ़ रहे थे मतलब पॉलिनेशन के बारे में, तो हाइड्रोफिली स्टार्ट किया था। तो हाइड्रोफिली माने जल परागण कैसे होता है, तो यह प्रक्रिया मतलब हाइड्रोफिली जलीय पौधों हाइड्रोफाइट में पाई जाती है। और परागण की यह प्रक्रिया दो प्रकार से संभव होती है, एक तो जल के भीतर जिसकी कल अपन ने बात की थी, एक है जल की सतह पर भी हाइड्रोफिली संपन्न होती है। एक में पूजा कुमावत आ गई, पूजा कुमावत इनको एंट्री कर देते हैं ठीक है बेटा। तो अब जल की सतह पर परागण की क्रिया एक अन्य जल निमग्न पौधे सबस्ट हाइड्रोफाइट वेलिसनेरिया में होती है। मतलब वेलिसनेरिया क्या है बेटा, एक हाइड्रोफाइट है, जल निमग्न पौधा है, और इसमें क्या होती है, हाइड्रोफिली की क्रिया संपन्न होती है। तो वेलिसनेरिया का पौधा उभय लिंगाश्रय मोनोएशियस होता है, परंतु इसके पुष्प एक लिंगी होते हैं। मतलब द फ्लावर्स ऑफ वेलिसनेरिया विच इज ए हाइड्रोफाइट आर यूनिसेक्सुअल, मतलब नर पुष्प मेल फ्लावर जल निमग्न रहता है। जो नर पुष्प है जो जल में डूबा हुआ रहता है, जल में सम्मिलित रहता है, परंतु इसका पुष्प वृंत पेडिसल छोटा होता है। इसके विपरीत मादा पुष्प, इसके विपरीत जो मादा पुष्प है फीमेल फ्लावर है, जल की सतह पर तैरते रहते हैं। मतलब नर पुष्प तो वेलिसनेरिया का जल में निमग्न रहता है, जबकि जो मादा पुष्प है वेलिसनेरिया की वो जल की सतह पर वाटर सरफेस पर फ्लोट करता रहता है, तैरता रहता है, तथा इसका पुष्पव्रत बड़ा होता है, वह सर्पिलाकार कुंडलित होता है। कैसा होता है, स्पाइरली कॉइल्ड पुष्पवृंत होता है। नर पुष्प परिपक्व होने पर टूटकर जल की सतह पर आ जाते हैं एवं जल की धाराओं तथा लहरों पर तैरने लगते हैं। तो इस प्रकार इनसे मुक्त पॉलन ग्रेन्स परागकण लहरों पर तैरते हुए मादा पुष्प की वर्तिकाग्र के संपर्क में आ जाते हैं। अब बात करते हैं एंडोमोफिली, मतलब कीट परागण। मतलब कीट परागण किसे कहते हैं, when the pollination in the plants occurs by means of insects it is called as endomophily। तो इस प्रक्रिया में मतलब कीट परागण में जिन पौधों में परागण होता है उनमें कीट पतंगों को आकर्षित करने के लिए कुछ विशेषताएं
या स्ट्रक्चरल एडेप्टेशंस पाई जाती हैं जिनको अट्रैक्शंस एंड रिवार्ड टू पॉलिनेटर्स भी कहते हैं। ये निम्न है, एक बार सोनू कुमारी और आई है, इनको एडमिट कर देते हैं। सोनू कुमारी, सोनू कुमारी को एडमिट कर दिया। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि एंटोमोफिली के जो स्ट्रक्चरल एडेप्टेशंस हैं, मतलब संरचनात्मक अनुकूलताएं, संरचनात्मक अनुकूलताएं क्या क्या पाई जाती हैं? पहला है रंग, कलर। किसकी बात कर रहे हैं? रंग, कलर। तो कीट पतंगों को पुष्प की यह संरचनात्मक विशेषता सर्वाधिक आकर्षित करती है। विभिन्न पौधों में पुष्प के अलग अलग एवं अनूठे रंग पाए जाते हैं। पर अपन देखते हैं डिफरेंट प्लांट्स हैं, उनमें जो फ्लावर हैज डिफरेंट कलर्स, पुष्प के अलग अलग रंग मिलते हैं। बहुत से फूलों का रंग इतना आकर्षक होता है कि कीट उनको देखते ही इनकी ओर चले आते हैं। मतलब सम ऑफ द फ्लावर्स आर सो अट्रैक्टिव दैट एज द इंसेक्ट सी सच कलर्ड फ्लावर्स, इंसेक्ट अप्रोचेस द फ्लावर। मतलब बहुत से फूलों का रंग इतना आकर्षक होता है कि जैसे ही कीट इनको देखता है तो इनकी ओर खिंचा चला आता है। कभी कभी पुष्प को रंगीन एवं आकर्षक बनाने के लिए इसकी संरचना में एक से अधिक चक्र सक्रिय भूमिका निभाते हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला है सहपत्र, ब्रेक्स। किसकी बात कर रहे हैं? सहपत्र। तो कुछ पौधों में पुष्प तो छोटा होता है एवं अनाकर्षक होता है। मतलब कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें की जो फ्लावर कैसा है, इट इज वेरी स्मॉल इन साइज, इट इज अनाकर्षक, मतलब अट्रैक्टिव नहीं होता। जैसे कि बोगनविलिया है, यूफोर्विया, पल्चिरिमा है, तो इनमें क्या होता है, फ्लावर क्या है, छोटा है, अनाकर्षक है। लेकिन इसके आसपास उपस्थित सहपत्र अत्यंत ही आकर्षक, बड़े एवं रंगीन होते हैं। फ्लावर इज स्मॉल बट द ब्रैक्स आर अट्रैक्टिव एंड दे आर लार्ज एंड कलर्ड। एंड जब ब्रैक्स सहपत्र आकर्षक है, लार्ज है और रंगीन है, तो ये आकर्षक सहपत्री संरचनाएं पुष्प में कीट परागण के लिए विशेष रूप से सहायक होती हैं। मतलब ये जो आकर्षक सह पत्र हैं, ब्रैक्स हैं, वो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं और कीटों के द्वारा पॉलिनेशन, परागण की क्रिया संपन्न होती है। इसी प्रकार बाह्य करते हैं कैलिक्स की, बाह्य दलपुंज। ठीक है, तो कुछ पौधों में जो बाह्य दलपत्र होते हैं, सेपल्स होते हैं, वो रंगीन एवं आकर्षक होते हैं। अपन देखते हैं जो सेपल्स हैं वैसे कैसे होते हैं, हरे रंग के होते हैं। कैसे हैं? एक मिनट बेटा, सेपल्स हरे रंग के होते हैं, ग्रीन इन कलर होते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें की सेपल्स रंगीन होते हैं, कलर्ड होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। जैसे कि अपन ने पढ़ा था रेनिनक्लेसी फैमिली, उसमें डेल्फिनियम, लार्क स्पर में बाह्य दलपत्र पेटिलॉयड होते हैं, दलाब होते हैं। मतलब इन डेल्फिनियम द सेपल्स आर पेटिलॉयड। जो डेल्फिनियम है, लार्क स्पर है, उसमें बाह्य दलपत्र दलाब हो जाते हैं। इसी प्रकार मुसेंडा, MUSSENDA, मुसेंडा में बाह्य दलपुंज के चक्र में एक बाह्य दलपत्र बड़ा एवं हल्के पीले रंग का होता है तथा अत्यंत ही आकर्षक हो जाता है। एक अन्य पौधे हंसलता या बतख बेल, जिसका नाम क्या है, एस्ट्रोलोकिया एलिगेंस। एस्ट्रोलोकिया एलिगेंस का नाम क्या है? हंसलता। तो इस एरिस्टोलोकिया एलिगेंस के पुष्प में परिदलपुंज पेरियंत नलिकाकार, रंगीन और लंबा हो जाता है
और चूंकि जो पेरियंथ है लंबा है और इट इज ट्यूबुलर एंड इट इज अट्रैक्टिव, जो पेरियंथ है, पेरियंथ किसे बोलते हैं, परिदल पुंज, एरिस्ट्रोलोकिया एलिगेंस में कैसा है, कलर्ड है, रंगीन है, तो ये जो पेरियंथ है, परिदल पुंज है, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है और इसके द्वारा कीट परागण होता है, ठीक है। और अपन लेते हैं कोरोला मतलब दलपुंज, तो अधिकांश पौधों में पुष्प की सुंदरता का कारण इनके दलपुंज का बड़ा रंगीन एवं आकर्षक होता है। अपन देखते हैं मेजोरिटी ऑफ द प्लांट्स द पेटल्स आर लार्ज एंड दे आर कलर्ड एंड अट्रैक्टिव, जो पेटल्स हैं कई पौधों में बड़ी भी होती हैं बेटा, आकर्षक होती है। क्यों आकर्षक होती है, क्योंकि ये कलर्ड होती है, रंगीन होती है। तो पुष्प के दलपत्र बहुत ही रंग बिरंगे, रंगीन व आकर्षक होते हैं। तो पुष्प में जो फ्लावर है उसमें जो पेटल्स पाई जाती हैं वो कैसी होती है बेटा, कलर्ड होती हैं, अट्रैक्टिव होती हैं, इनके डिफरेंट कलर्स होते हैं इनके दलपत्र के पेटल्स के। तो कभी कभी इनकी सुंदरता का दूसरा कारण इनकी विशेष बनावट भी होती है, जैसे कि पेपिलायन एशियस दी ओस्टी या दलपुट युक्त स्पर्ड इत्यादि, कुछ स्क्रोफ्यूलेरियसी, कुल क्या है, कुल स्क्रोफ्यूलेरियसी के सदस्य कुत्ता फूल या डॉग फ्लावर के, तथा कुत्ता फ्लावर किसे कहते हैं, डॉग फ्लावर, एंडी राइनम मेजस डॉग फ्लावर को कहते हैं। मतलब ये किस कुल में आता है, स्क्रोफ्यूलेरियसी कुल में रखा गया है, तथा इसी प्रकार वायोलेसी कुल में किसको रखते हैं अपन, पेंजी को, पेंजी का बॉटनिकल नेम क्या है, वायला, मतलब वायोलेसी कुल में वायला को रखा गया है। तो इनके दलपुंज विशेष बनावट के पाए जाते हैं, इसमें डॉग फ्लावर में जिसको कि एंडी राइनम मेजस कहते हैं, वह वायला में जो क्या है, दलपत्र है या दलपुंज है, दलपुंज का मतलब कोरोला है, वो एक विशेष बनावट के पाए जाते हैं। तो इस प्रकार की विशेष दलपुंज संरचना के कारण कीट पतंगे पुष्प की ओर आसानी से आकर्षित हो जाते हैं, तथा कीट परागण क्रिया को संपादित करने में भूमिका निभाते हैं। अब अपन बात करते हैं कीट या कोरोना, ये कोरोना होता क्या है, तो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स में पाई जाने वाली ये विशेष प्रकार की संरचना है। मतलब जिन पुष्पों में कीटों के द्वारा परागण होता है उनमें कीट या कोरोना कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, जो कि पुष्प के किसी भी हिस्से में विकसित होकर उसे और भी सुंदर एवं आकर्षक बना देती है। जैसे कि आप सुनते हो आंख, मतलब कैलोट्रोपिस आंकड़ा या मदार, जैसे कि पैशन फ्लावर व नरगिस, जिसको कि आप डेफोडिल कहते हो, अमरवेल है, कस्क्यूटा है, एवं गार्डन नास्टरशियम है, टोपियोलम इत्यादि में कोरोना पाया जाता है। मतलब आंख में, आंकड़े में, कैलोट्रोपिस में, पैशन फ्लावर में, और किसमें, गार्डन नास्टरशियम में कीट या कोरोना पाया जाता है, और ये संरचनाएं दलपत्रों में उपस्थित होती हैं। मतलब कीट या कोरोना पेटल्स दलपत्रों में पाई जाती हैं, तथा पुष्प के आकर्षण में वृद्धि करती है। इसी प्रकार अब अपन बात करते हैं एंड्रोशियम की, तो कुछ पुष्पों में विशेष प्रकार की परिस्थितियों में पुमंग भी रंगीन पुंकेसरों के द्वारा पुष्प की सुंदरता एवं आकर्षण में वृद्धि करते हैं। जैसे कि बेटा अपन बात करते हैं बबूल की, अकेशिया है, माइमोसा है, माइमोसा में, ठीक है, कभी कभी पुतंतु मतलब फिलेमेंट्स एवं पराकोश एंथर अलग अलग रंगों के होते हैं। मतलब इन सम फ्लावर्स द फिलामेंट्स एज वेल एज द एंथर्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, एंथर का रंग अलग है, मतलब पराकोश का रंग अलग है, जबकि जो फिलामेंट्स है उनका रंग अलग है। तो इस कारण से पुष्प को ये और भी अधिक सुंदरता प्रदान करते हैं, ठीक है। तो कुछ
पौधे जैसे कि आंकड़ा कैलोट्रोपस में कीट पतंगे पराग कोशिका भक्षण करने के लिए पुष्प की ओर आकर्षित होते हैं। इसी प्रकार बात करते हैं गाइनोशियम की जायांग की, तो कुछ पौधों में जायांग भी विशेष संरचना एवं बनावट में पाए जाते हैं एवं ये कीट पतंगों को पुष्प की ओर आकर्षित करने के लिए अतिरिक्त रूप से सहायक होते हैं, जैसे कि मदार आंख मतलब कैलोट्रोपिस में जायांग एवं कोरोना मिलकर एक पंचकोणीय डिस्क या मंच पेंटा एंगुलर डिस्क का निर्माण करते हैं जिस पर कीट पतंगे विश्राम करते हैं। अपन ने जुपिटर एस्क्लीपियडेसी फैमिली पढ़ी थी जिसमें कि कैलोट्रोपिस आंकड़े को रखा गया है, तो ये देखा था कि कैलोट्रोपिस में मतलब आंकड़े में या मदार में कैलोट्रोपिस में जो गाइनोशियम है एंड कोरोना, गाइनोशियम एंड कोरोना बोथ कॉन्स्टिट्यूट ए पेंटा एंगुलर डिस्क एंड दिस पेंटा एंगुलर डिस्क जो कि किससे मिलती है अपन को कैलोट्रोपिस में, इस पंचकोणीय डिस्क पर कीट व पतंगे विश्राम करते हैं और इसके द्वारा एंटोमोफिली कीट परागण संपन्न होता है। अब बात करते हैं मकरंद की नेक्टर की, तो अनेक पुष्पों में विशेष प्रकार का पदार्थ मकरंद निर्मित होता है जो कि कीट पतंगों का भोजन है, तो नेक्टर का निर्माण नेक्टरीफेरस ग्लैंड्स में होता है। मतलब पुष्प हैं, फ्लावर्स हैं, उनमें जब नेक्टर का फॉर्मेशन होता है तो नेक्टर का फॉर्मेशन नेक्टरीफेरस ग्लैंड्स में होता है, मकरंद ग्रंथियों में होता है। अतः पुष्प में अतः फ्लावर में मकरंद की उपस्थिति भी इसके प्रति कीट पतंगों के आकर्षण का एक कारण है। एक मिनट दीक्षा और आई है, दीक्षा को एडमिट कर देते हैं। दीक्षा दीक्षा भी आ गई, उनको भी एडमिट कर दिया। ठीक है, मतलब क्या बात चल रही है, कुछ पुष्पों में मकरंद की उपस्थिति भी इसके प्रति कीट पतंगों के आकर्षण का एक कारण है। कुछ कीट कुछ इंसेक्ट्स जैसे हनीबीज मधुमक्खियां तो मकरंद युक्त पुष्प पर ही भ्रमण करती हैं। कुछ पुष्पों में मकरंद दलपुट भी पाया जाता है, मतलब कुछ फ्लावर्स में मकरंद इस पर मकरंद दलपुट भी पाया जाता है। मकरंद ग्रंथि का आकार इस प्रकार का होता है कि कीट पतंगे उसके द्वारा आसानी से आकर्षित होकर पुष्प तक पहुंच जाते हैं और परागण क्रिया में सहायक होते हैं। अब बात करते हैं सुगंध, सुगंध का मतलब है स्मेल, तो प्रत्येक प्रकार के कीट पतंगे पुष्प की सुगंध से आकर्षित होकर इस पर पहुंचते हैं और परागण की क्रिया को संचालित करते हैं। मतलब कई फ्लावर्स में एक अजीब प्रकार की एक विशेष प्रकार की सुगंध होती है, स्मेल होती है, और इस सुगंध से आकर्षित होकर जो कीट पतंगे हैं वो परागण पॉलिनेशन की क्रिया को संचालित करते हैं। तो सुगंध इन पुष्पों जिन पुष्पों में सुगंध पाई जाती है और वो देखने में कम आकर्षक या छोटे होते हैं, तो कुछ पौधों के पुष्पों की सुगंध तो रात्रि के समान भी कीटों को आकर्षित करने का कार्य करती है। तो कुछ पौधों के पुष्पों की सुगंध रात्रि के समय में भी मतलब अंधकार में भी कीट पतंगों को पुष्प की ओर आकर्षित करने का कार्य करती है। जैसे कि अपन देखते हैं बेटा हर सिंगार निक्तेंथस वह रात की रानी सिस्टम नॉक्टर्नम जिसे क्या कहते हैं रात की रानी कहते हैं, वह हर सिंगार में क्या होता है अंधकार में भी रात्रि में भी पुष्पों की सुगंध इतनी अच्छी होती है कि यह सुगंध पुष्प मतलब कीट पतंगों को आकर्षित करती है फ्लावर की ओर। ठीक है, अब बात करते हैं पुष्पक्रम की इनफ्लोरिसेंस, तो अनेक पौधों के पुष्प बहुत छोटे छोटे होते हैं अतः यह देखने में अधिक आकर्षक नहीं लगते,
परंतु जब ऐसे असंख्य पुष्प सम्मिलित रूप से एक पुष्पक्रम का गठन करते हैं तो यह संपूर्ण संरचना अत्यंत आकर्षक एवं सुंदर प्रतीत होती है, जैसे कि मुंडक, कैपिटुलम और हेड इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है बेटा, अब है पोलन ग्रेन्स परागकण। अधिकांश कीट परागित पौधों में परागकणों का निर्माण वायु परागित पौधों की तुलना में बहुत ही कम होता है। साथ ही इनके परागकण कुछ चुपचुपे भी होते हैं, अतः ये कीट पतंगों के पंखों पर आसानी से चिपक जाते हैं। अब बात करते हैं वर्तिकाग्र की। तो कीट परागित पुष्पों की वर्तिकाग्र भी खुरदरी एवं चिपचिपी होती है, मतलब द फ्लावर्स विच आर पॉलिनेटेड बाय द इंसेक्ट्स, इन दोज फ्लावर्स विच आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स स्टिग्मा इज रफ एंड स्ट्रिकी। मतलब कीट परागित पुष्पों में जो वर्टिकाग्र है, स्टिग्मा है, वो कैसी होती है? रफ होती है, खुरदरी होती है, चिपचिपी होती है, जिसकी वजह से उस पर मतलब जिसकी वजह से स्टिग्मा पर परागकण आसानी से चिपक जाते हैं। कुछ पौधों के पुष्पों या पुष्पक्रमों में तो कीट परागण की प्रक्रिया विशेष प्रकार की कीट प्रजाति के द्वारा ही संचालित होती है। इनकी अनुपस्थिति में परागण क्रिया नहीं होती। अब बात करते हैं लीव्स की। तो कुछ पौधों जैसे कि पॉइनसेटिया, जैसे कि पॉइनसेटिया में पुष्पक्रम के पास वाली अर्थात ऊपर की ओर ऊपर की पत्तियां, पुष्पक्रम के पास वाली मतलब ऊपर की पत्तियां रंगीन, बड़ी एवं आकर्षक होकर पॉलिनेशन के लिए कीट पतंगों को आकर्षित करने का कार्य करती हैं। अब बात करते हैं परागण के लिए एडेप्टेशंस की श्रृंखला की अंतिम कड़ी के रूप में। यहाँ एक रोचक मूल परजीवी पौधे रेफ्लेसिया का उदाहरण देना उचित होगा। तो एक कौन सा है? परजीवी पौधा है, पैरासिटिक प्लांट से। पैरासिटिक प्लांट का नाम क्या है? परजीवी पौधे का नाम है रेफ्लेसिया। तो यह रेफ्लेसिया का पौधा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। सघन उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में रेफ्लेसिया का पौधा पाया जाता है, तथा रेफ्लेसिया का पुष्प प्लांट किंगडम में सबसे बड़ा होता है। तो रेफ्लेसिया क्या है? एक मूल परजीवी पौधा है और इसका जो फ्लावर है प्लांट किंगडम में सबसे बड़ा होता है। यह रेफ्लेसिया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है और जब इसका पुष्प, किसका पुष्प? रेफ्लेसिया का पुष्प सबसे बड़ा है। तो इस पुष्प का व्यास लगभग कितना है? 1 मीटर होता है, तथा वजन 7 किलो का होता है। 7 kg वजन होता है किसका? फ्लावर ऑफ रेफ्लेसिया का। तो अनेक बॉटनिस्ट के द्वारा रेफ्लेसिया में पुष्प का परागण हाथी के द्वारा होता है, क्योंकि इतना बड़ा तो पुष्प है, 7 किलो का इसका वजन है। तो कई साइंटिस्ट कहते हैं कि रेफ्लेसिया में जो पुष्प का परागण है एलिफेंट के द्वारा होता है, परंतु यह है मिस्टेक है, यह है त्रुटिपूर्ण एवं भ्रामक है। इसके पुष्प में मतलब रेफ्लेसिया के पुष्प में परागण एक मांस भक्षी मक्खी के द्वारा होता है। रेफ्लेसिया में एलिफेंट के द्वारा परागण नहीं होता, वैज्ञानिकों की बात नहीं, ऐसा ही नहीं पाई गई। कई वैज्ञानिकों ने बताया था कि रेफ्लेसिया में परागण एलिफेंट के द्वारा होता है, पर ये मत इस पे ऑब्जेक्शन आ गया और किसी वैज्ञानिक ने कहा कि एक मांस भक्षी मक्खी के द्वारा पुष्प में, रेफ्लेसिया के पुष्प में परागण होता है, क्योंकि इसके पुष्प से सड़े मांस की जैसी तीखी बदबू आती है जो इन मक्खियों को बहुत अधिक पसंद है। अतः इससे आकर्षित होकर ये रेफ्लेसिया के पुष्प पर आ जाती हैं। मतलब जो कैनन फीडिंग फ्लाइज हैं, वो क्या होती है? क्योंकि रेफ्लेसिया के पुष्प से सड़े हुए मांस की बदबू आती है, तो ये जो मक्खियां हैं मांस भक्षी हैं, तो इन मांस भक्षी मक्खियों को ये मांस भक्षी मक्खियों को
तीखी बदबू पसंद आती है और ये आकर्षित होकर रैफ्लिसिया के पुष्प पर आ जाती हैं। इनके एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जाने की वजह से कीट परागण क्रिया संपन्न होती है। अब लेते हैं व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेशन, कीट परागण के कुछ प्रमुख उदाहरण। सबसे पहले पॉलिनेशन इन पीस, मटर में परागण। तो मटर का पुष्प आड़ी स्थिति या क्षैतिज अवस्था में संलग्न रहता है तथा इसके वर्तिकाग्र मतलब मटर के पुष्प के वर्तिकाग्र स्टिग्मा तथा परागकोश के स्टिग्मा तथा परागकोश मटर के पुष्प के स्टिग्मा तथा परागकोश एंथर लोब्स इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि कीट का अधर भाग इनके संपर्क में रहता है। मतलब मटर में क्या बता रहे कि मटर फ्लावर मटर पुष्प का वर्तिकाग्र तथा पराग कोश इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि कीट का अधर भाग इनके संपर्क में रहता है। दलपुंज में नील और कोलोन कोर दलपुंज में नीली कील के WL मिलता है ना, दलपुंज में कील और कैरिना तो केवल रक्षा का कार्य करती है। दलपुंज में क्या पाया जाता है, दलपुंज में नोतल, नोतल मतलब कील या कैरिना तो केवल रक्षा का कार्य करती है परंतु पंख विंग्स पुष्प पर भ्रमण करने वाले कीटों को मंच प्रदान करता है। पुष्प से जुड़े हुए नौ पुंकेसर भी इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि कीट सुविधा पूर्वक इनके ऊपर चल सके और कीट के बैठने से कील और कैरिना कुछ दब जाता है। मतलब अपन देखते हैं मटर के फ्लावर में नौ स्टेमंस पाए जाते हैं और इन नौ स्टेमंस भी इस तरह से इनका व्यवस्थित होते हैं, नाइन पुंकेसर भी इस तरह से भी व्यवस्थित होते हैं कि कीट जो इंसेक्ट है इनके ऊपर चल सकता है और कीट के बैठने से कील और कैरिना दब जाता है। दलपुंज में स्टैंडर्ड और वैक्सिलम ध्वजक, दलपुंज में स्टैंडर्ड और वैक्सिलम ध्वजक केवल कीटों को आकर्षित करने का कार्य करता है। मतलब इन द पी फ्लावर स्टैंडर्ड और वैक्सिलम इट अट्रैक्ट्स द इंसेक्ट एंड मटर के पुष्प में वर्तिका स्टाइल रोमयुक्त होती है और कील और कैरिना में कुछ खाली स्थान होता है जिसके द्वारा वर्तिका बाहर आ जाती है। पुष्प की कलिका अवस्था में ही अर्थात इसके खुलने से पहले ही परागकोश परिपक्व हो जाते हैं और नोतल मतलब कील और कैरिना के अगले सिरे पर एकत्र हो जाते हैं। वर्तिका एवं वर्तिकाग्र शुरू से ही पराग कणों से ढके रहते हैं। इस अवस्था में जब कोई कीट किसी पुष्प पर आने के बाद उसके मंच पर बैठता है तो पुंकेसरों पर दबाव पड़ता है और पोलन ग्रेन्स से बोझल पराग कणों से बोझल नोतल नील झुक जाता है एवं उस पर पड़े हुए पराग कण अपाक्ष भाग पर गिर जाते हैं। तो इस पुष्प में मतलब मटर के पुष्प में मधु भी ऐसी स्थिति में संग्रहित होता है कि मधुमक्खी को उसे प्राप्त करने के लिए अंदर जाना पड़ता है। कहते हैं जो मधुमक्खी है मतलब क्या करती है, मधु को प्राप्त करना चाहती है। तो लेकिन इस तरह मटर का पुष्प होता है कि मधु भी ऐसी स्थिति में मटर के पुष्प में संग्रहित होता है कि जो मधुमक्खी है मधुमक्खी को मधु को प्राप्त करने के लिए अंदर जाना पड़ता है। चूंकि मटर के पुष्प प्रोटेंड्रस होते हैं अतः इनमें पुंकेसर स्टेमेंस पुष्प के खिलने के समय तक पूर्णतया परिपक्व हो जाते हैं तथा इनका फिलामेंट अधिक फूला हुआ हो जाता है। इस कारण परागकोश और बाहर आ जाते हैं, पराग कण सॉरी
परागकण पोलन रेज भी अधिक मात्रा में निकलकर इसके वेंट्रल साइड पर लग जाते हैं। पोलन रेज परागकण भी अधिक मात्रा में निकलकर इसके अभ्यक्ष तल पर लग जाते हैं। इस प्रकार कीट के समूचे शरीर पर परागकण पोलन रेज लग जाते हैं। इसके पश्चात ये कीट जब ऐसे पुष्पों पर जाता है जिसमें अंडाशय जिसमें अंडक परिपक्व हो चुका हो तो वहां परागण हो जाता है। मतलब परागकण अधिक मात्रा में निकलकर इसके अभ्यक्ष तल पर लग जाते हैं। इस प्रकार कीट के पूरे शरीर पर पोलन ग्रेन्स लग जाते हैं। इसके पश्चात जब ये कीट इंसेक्ट ऐसे पुष्प पर जाता है जिसमें अंडा परिपक्व हो चुका हो तो वहां परागण हो जाता है। अब बात करेंगे पॉलिनेशन इन साल्विया। साल्विया में परागण कैसे होता है? तो साल्विया क्या है? साल्विये के पौधे में पुष्प बाइलेवियेट होता है, दी ओष्ठी होता है और इन दोनों ओष्ठों में से एक ओष्ठ ऊपर एवं दूसरा नीचे की ओर होता है। मतलब बाइलेवियेट पुष्प पाया जाता है किसमें? साल्विया में, और दोनों ओष्ठों में से एक ओष्ठ ऊपर होता है वह दूसरा ओष्ठ नीचे की ओर होता है। ऊपरी ओष्ठ दो दलों के द्वारा बना होता है जो ऊपर की ओर उठा हुआ एवं अंदर की ओर मुड़ा रहता है। इसी मुड़े हुए हिस्से में पुंकेसर एवं वर्तिका स्टेमेंस एंड स्टाइल व्यवस्थित रहते हैं। पुष्प का निचला ओष्ठ भ्रमण करने वाले कीट पतंगों के लिए मंच का कार्य करता है। यह पुष्प भी मटर के समान ही प्रोटेंड्रस होता है। मतलब साल्विया हैज द फर्टाइल एंथर लोब एंड द स्टराइल एंथर लोब। सो फर्टाइल एंथर लोब डस्ट द पोलन ऑन द इंसेक्ट्स। तो ये बात हुई अपनी आज ने पॉलिनेशन इन साल्विया। तो यह पुष्प मतलब साल्विया का पुष्प भी मटर के समान प्रोटेंड्रस होता है। इसमें दो पुंकेसर होते हैं। प्रत्येक पुंकेसर का पुतंतु बहुत ही छोटा होता है। पुंकेसर का योजी बहुत ही बढ़ जाता है तथा इसके पराग कोश का बहुत बड़ा भाग जो कि ऊपरी ओष के मुड़े हुए हिस्से में रहता है उर्वर होता है लेकिन पराग कोश का शेष भाग बंध है स्टराइल हो जाता है। ठीक है बेटा, अब किसने चैट किया है एक मिनट देख लेते हैं। भावना चेल्सी,